अब देश में 5,000 नेता है, 10,000 नेता है, बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है। उसकी एक सीमित क्षमता है कि 34 लोगों तक को आप स्टार प्रचारक बना सकते हैं, तो जिनकी उपयोगिता है उसके आधार पर बनाया गया है। कांग्रेस के कितने नेताओं को बनाया गया बताइए, कितने नेताओं को बनाया गया है? जो ATM है उनको छोड़ के किसी को बनाया गया है? अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़े कोई दोषी है तो ये सरकार है। इस सरकार के पास में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब के सेस से कोरोना के लिए वसूल किया गया है, उसको खर्च कर कोरोना की वेव को रोकने का काम क्यों नहीं कर रहे? बड़ी मात्रा में सिटी बसें बंद है, बड़ी मात्रा में उसमें काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, बसें बंद हो रही हैं, उसमें बेरोजगार हो गए हैं, उनके हितों के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही। अब ये तो गैर दली चुनाव है और इसमें तो सरकार दबाव डालकर जो जीत कर आएगा उसको दबाव डालकर उसको भयभीत करके अपने पक्ष में घोषित कर देगी हमारे लोग जीते हैं। जब ये गैर दली चुनाव है तो इन गैर दली चुनावों में तो ये तो आसान बात है, और मुझे लगता है क्योंकि ये गैर दली चुनाव है इसलिए इसमें जनता जो है अपने मनपसंद लोगों को चुनेगी, परंतु उसके बाद अगर जिला पंचायत की बात है, जनपद की बात है या सरपंच की बात है तो उनको चुनने का जो काम है वो अगर निष्पक्ष होगा तो जनता के प्रतिनिधि होंगे, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं होंगे। जैसा मैंने कहा कि इस सरकार में सिर्फ एक काम चल रहा है कि कैसे अवैध तरीके से पैसे कमाए जाएं। कैंपा का 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को मिला, उस पैसे से हाथी और मानव द्वंद को रोकने की बजाय जो सबसे बड़ा प्राणी है जंगल का, उस प्राणी की जान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है। और मुझे तो लगता है कि इस सरकार में बैठे हुए लोग और उनके संरक्षण में वन्य प्राणियों के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी तस्करी, उनके व्यापार का काम चल रहा है कि वो मर जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक सरकार को मालूम नहीं होता है, उनके दांत काट के ले जाए जाते हैं, उनके महत्वपूर्ण अंग जो हैं जो विश्व के बाजार में महंगे दामों पर बिकते हैं वो ले जाए जाते हैं, यहाँ पर शेर का शिकार हो जाता है, यहाँ पर तेंदुए का शिकार हो जाता है, हिरणों के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कितनी बड़ी मात्रा में मारे जाते हैं, वन भैंसा जो छत्तीसगढ़ की पहचान थी वो समाप्ति की तरफ चला जाता है। तो ये सरकार जो है मनुष्यों का जीवन तो खतरे में डाल ही रही है, साथ में वन्य प्राणियों को भी अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए वन्य प्राणियों के और हाथी जैसे वन्य प्राणी की भी रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है।